आप इतने स्मार्ट हो, ये प्रैक्टिकल आपने किया हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रूफ आ रहा है देखिए। अभी सबसे पहले आपको पता है यार ये 33 है ना, ये 37 रुपए तो कहां से कवर होंगे देखिए। तो सबसे आसान आप कौन सा टारगेट पकड़ते हो वहां पर, यार इनके पास बोलेंगे तो बढ़ते दे देगा और ज्यादा ही देता है। कौन है वो सबसे पहला है? अरे बेटा नानी नहीं है तो सबसे अच्छा टारगेट कौन सा होता है? और इसीलिए थोड़ी सी पेपर से तो नानी याद आती है, क्यों आती है नानी याद आ रही, क्यों कहा? हम क्या कर रहे हैं आपको बताओ, ध्यान से बताओ, भूल तो नहीं गए पिज्जा के चक्कर में? क्या कर रहे हैं हम? अपनी मार्कशीट बना रहे हैं। और अभी ज्वलंत परेशानी हमारे पास क्या है कि मैं जितना लगना चाहता हूँ मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में देखा था बोल के उतना नहीं आ रहा है, ये दिमाग में रहे। और आप पिज्जा खाओ, देखो मैं खिलाता हूँ। जब न्यू ईयर आता है या कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो उन दिनों ये लोग क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट है वो, ऑफर डालते हैं। क्या डालते हैं? ऑफर। कौन लो है ना, इतने रुपए लाओ और ठीक है ना, तो 500 में इसके 600 में इनके जो है 30 कम हो गए तो ये 570 का क्या है वो कॉम्बो ऑफर दे रहा है कि अब्दुल 570 रुपए ला और पिज्जा कॉम्बो ले जा, खुद भी खा, घर साहब को भी खिला और अपने सर को भी खिला, ठीक है? स्कीम दे दी, ऑफर बोलते उसकी स्कीम। तो कितनी की स्कीम है? 570। अब अब्दुल यानी आप अपने पास जब आप क्या करते हो, टकोलते हो पैसे, कुछ किताबों में रखे होते हैं, कुछ मम्मी ने दिए होते हैं, बहुत कहीं रखे होते हैं, उनको सब इकट्ठे टटोल के देखा अब्दुल ने, अब्दुल के पास कितने आए? 533 आए। 533 ईद के टाइम की बात करें हम जनरली तो अभी बताइए कह सकते हैं। अब इसने देखा कितने कम पड़ गए, कितने कम पड़ गए, कितने कम पड़ गए, 37 पड़ गए कम अब्दुल की बात। आपको क्या लगता है कि अब्दुल एक कॉम्बो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? 100% ले पाएगा। तो क्या करेगा? नहीं उधार नहीं मांगेगा, उधार नहीं चलेगा। यहाँ मैं बताता हूँ क्या करते हो, हकीकत नहीं पता आपको। जब भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं ना तो घर में बहुत सारे लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं बेटा, आते ही नहीं आते हैं? दिवाली दिवाली उसमें होली पे आपके ईद पे आपके जो भी चीजें हैं खूब आते हैं। और आप इतने स्मार्ट हो, ये प्रैक्टिकल आपने किया हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रूफ आ रहा है देखिए। अभी सबसे पहले आपको पता है यार ये 33 है ना, ये 37 रुपए तो कहाँ से कवर होंगे देखिए। तो सबसे आसान आप कौन सा टारगेट पकड़ते हो वहां पर, यार इनके पास बोलेंगे तो बढ़ते दे देगा और ज्यादा ही देता है। कौन है वो सबसे पहला है? रिश्तेदार में बेटा कोई, जैसे मामा मामा और उससे और कोई और है बेटा, बढ़िया पापा तो बेटा मेरे जैसे कंफ्यूज होता है, मामी मामा और चाचा बड़ा भाई, अरे बेटा नानी नहीं है तो सबसे अच्छा टारगेट कौन सा होता है? और इसीलिए थोड़ी सी भी पेपर से तो नानी याद आती है ना, नानी याद आ रही, क्यों कहा नानी याद आ रही, क्यों आती है वो नानी याद? इसीलिए आती है क्योंकि सबसे ज्यादा वो क्या होती है, बहुत प्यार करती है वो। और इसलिए क्या है, थोड़ी सी पहनोगे आवाज तुरंत, तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो? नानी के पास, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है वो, और फट से नानी से ले लेते हो पैसे। और जब फिर देखो कैलकुलेशन बहुत जल्दी करते हो, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है, कोई अब इतनी कम पड़ गया, फिर उसके बाद मामी या मामा जो भी है जाते ही जाते हो और फिर वहां देगा, और जैसे पूरा हुआ फिर उसके बाद कोई रिश्ता याद नहीं रहता, फिर तो पिज्जा भाग लिया, समझ गए मेरे लाल? ये है 6 रिश्तेदार आपके, ध्यान से देना, वापस आ जाओ। मैंने क्या कहा था, क्या कर रहे हैं बात, इसकी बात। तो सबसे पहले यहां ढूंढो नानी कौन है। नानी माने वो मोस्ट फेवरेबल टीचर, जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेबल टीचर है वो आपकी नानी होती है। क्यों? कि उसके सब्जेक्ट में कभी भी आपके नंबर सबसे तो नानी तो ही ना वो। तो नानी ढूंढो, नाना नाना भी कह सकते हैं यहाँ पे, अगर नाना है तो कर दो यार आज नाना ढूंढो, बोल रहे ना आप अपना अपना नाना ढूंढा, आपका नाना कौन है? फिजिक्स वाला नाना, क्या है यहाँ है नहीं नाना बता देना भाई नाना जी। तो नाना जी से अब देखो, नाना जी से 80 ले रहे हो आप, तो कितना और खींच सकते हो नाना जी से? बोलो
आवाज नहीं उठा आपस में नहीं। नाना आपका बगल वाले का नाना थोड़ी है, अपने नाना से अपने आप बात करो। प्लस 14 यानी 94। अब जैसे आपने प्लस 14 डाले कितने की कमी रह गई? 96। बेटा बेटा काम आपका है, कर मैं रहा हूँ यार, ये तो कोई बात नहीं। अरे ये कर लिया सर, अब इसका तुरंत काम भाग जाते हो। किसके पास जाओगे? मामा। मामा कौन है बेटा आपका? आप अपनी कॉपी में ढूंढिएगा। अब यहाँ पर अपनी कॉपी में फिजिक्स की बात करना, आपका नाम होता है ठीक है ना बेटे? किसके पास जाओगे? मैथ्स, मैथ्स वाले कितना लेना मामा से? 13 93। मामा 13 ये हुआ तो कितना हुआ? फुफा के पास बच्चा ये जो होंगे वो भी खींच लेगा, घोस लेगा वो बड़ा भाई ठीक है ना। तो चाचा के पास कितने बच गए? अब किसके पास जाओगे? अपने हिसाब से दिख रहा कॉपी देखो अपनी। हाँ बेटा वैसे ही मत करो, बगल में लिखो, काटने तो मैं भी काट सकता हूँ। हाँ बगल में जरूर लिखो ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ मुझे कितना फोकस करना है। आप कितना रहेगा और कहाँ से लोगे? अपनी कॉपी में देखो, अपनी कॉपी में देखो। सीधा आ जाएंगे ना ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो है ये पूरा टैली हो गया। तो अब आपकी नई मार्कशीट जो बन जाएगी वो इस तरह से बनेगी। अब हर बच्चे की बन जाएगी 100 94 86 97 93 100। और अब इसको टोटल करके देखिए 570। अभी मैथ तो आज के बाद आप हर चीज में मैथ कर सकते हैं और जैसा जैसे आपकी तैयारी होती चली जाएगी आप इसको बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपको भी टेस्ट होगा आपका प्री बोर्ड होने वाला है ना, और अगर आप इस प्री बोर्ड में कवर कर जाओगे तो फिर आप क्या करोगे? आगे बढ़ोगे ना, उतना थोड़ी है। तो उसके बाद फिर देखो कहाँ मैं ज्यादा खींच सकता हूँ, फिर मैं इस मार्कशीट बनाऊंगी और एग्जैक्टली वही आएंगे पक्का। और फिर इस बार देखते हैं फोन, इस बार भाई को मुझे बता देना यार बच्चे को फोन जरूर करना ठीक है। तो समझ गया बेटा कि अपनी मार्कशीट कैसे बनानी है और जो आप कहते हो वो 100% होता है, ये गारंटी है। इसके लिए अगर आप देख लेंगे तो एक आप शेयर करते हो वीडियोस बच्चों को। तो बेटा मैं रिटायर हो गया हूँ तो फिर लेकिन बच्चों की आदत या बच्चों की आदत भी सताती है ना। जब भी मौका मिलता तो मैं स्कूल में पहुँच जाता हूँ, क्या पता आज हो सकता है किसी बच्चे की लाइफ में चेंज आ जाए। इतने बच्चे बैठे हैं ना आपके साथ, तो कह रहे कि नहीं सब करेंगे, और मुझे कह रहा हूँ अगर एक का भी लाइफ में बदल गया तो मैंने जो अभी एक घंटा पौना घंटा जो लगाया मेरे तो क्या होगा, कामयाब हो गए किसी की लाइफ में। बेटा ये भी आप भी करिएगा, कोई भी आपको कहीं राह में भी कहीं भी कोई मदद ये मांगता है कुछ कहता है ना तुरंत कर डालिए उसको, क्योंकि ये जो हरेक के लिए जो है ना क्या कहते हैं आपके जो 5 टाइम की नमाज वगैरह आप लोग पढ़ते हैं उसमें जो आप लोग मेजा में होता है ना इसे कि आपके हक में जो है ना हरेक हक में आप बताइए कि ऊपर वाला जो है ना हरेक कोई मौका नहीं देता, उसको जिससे कराना है उसी को देता है, चुनता है वो
इतने से, और अगर आप उसमें चूक गए तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी गई। अब मुझे ये आज का शेड्यूल नहीं था, मुझे कुछ और चीज के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आप समझ गए। आपके जो दो सर हैं वो यूपीएससी में वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर उनको थोड़ा गाइड कर दो। तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी स्कूल में आने की, तब तो मैं जहाँ मर्जी आ सकता था ना, जब मैं डब्ल्यू डायरेक्टर था, जब मर्जी चले फोन रोक लेगा रीजन में। लेकिन अब तो स्थिति दूसरी हो चुकी ना, क्योंकि रिटायर हो गया हूँ, ठीक है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सबसे पहले इनसे क्या कहा कि उन बच्चों को मैं 10:30 के बाद शुरू करूंगा, उससे पहले मैं 1 घंटा बच्चों से बात करूंगी, आप तैयार हो जाना जाता में, ठीक है। मैंने गलत किया जल्दी बताओ, ठीक है ना, तो समझाया खुद इसको ही सर। तो उसमें अब मैंने क्या किया, फिर जब स्कूल जाने का नहीं तो फिर मैं क्या मैं घर तक पहुंच जाऊंगा बच्चों के, इसलिए मैंने एक चैनल बनाया 4-5 महीने पहले यूट्यूब का, ठीक है। तो उसको आप जो है जीवन सफलता सूत्रास, जिंदगी में कैसे सफल होना है उसके कुछ सूत्र बनाए मैंने, जैसे एक सूत्र मैंने भी आपको बताया था थोड़ा, भाई जुगरान सर, कभी कभी वहां पर वो क्योंकि बोला जुगल कर देता है, जैसे मैंने कर देता जैद का जे कर दिया था, वैसे वो भी एल कर देता है यहाँ पे जुगरान की, उसी से कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं, तो मैं ये चीज है, ठीक है। ये आप चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली फिर सर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर के पास भी भेजता हूँ, लेकिन सर ने सब्सक्राइब कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये तो क्या कोई आप पर्टिकुलरली आपके पास भेजेगा तब ही मिल पाएगा आपको, भेजेगा तो नहीं मिल पाएगा। तो इसके अंदर मैं 17 सूत्र आपको भेज सकता हूँ, 17 सूत्रास, जैसे फॉर्मूले होते हैं ना फिजिक्स के, होते हैं ना फिजिक्स के, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या क्या कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, Y qualitative bridge, इसको bridge क्यों कहते हो? Why we call it a bridge? Wheatstone bridge, क्यों bridge कहते हैं? ये सब बारे में बात करेंगे। ये 20 चैनल में फिर धीरे-धीरे डालूंगा। अभी मैंने सूत्र लाइव के सूत्र डाले, उसके बाद फिर इसको सूत्र डालूंगा, फिर मैसेज डालूंगा, ठीक है। जिसको समस्या हो कमेंट बॉक्स में बैठेगा, ये अगर आपको ये सवाल फिर पूछ रहा होगा कि क्यों कहते हैं इसको ब्रिज, तो सर रिक्वेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब वही दे दूंगा। Even you can ask, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, कोई इशू नहीं। और फिर उसमें जो भी मैंने प्रूफ दिए उनके प्रूफ आप देखना, ये आप वाला वीडियो भी डाल जाएगा, इसमें डाल दूंगा मैं, आपको भी दे दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा। तो इनको आप क्या करें, 10 पॉइंट से दिखाएं, दूसरे सेक्शन को दिखाएं, और उससे क्या होगा कि आपको क्या होगा शायद फायदा हो जाए, मैं ये मान सकता हूँ शायद फायदा हो जाए किसी को, किसी एक को भी हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने क्या मेहनत की, मैंने क्यों करना था, कर दिया, घर में बैठा था, फ्री बैठा था ना मैं, क्या फायदा हो, नहीं यहाँ कुछ नहीं, क्या पता किसी लाइफ में चेंज आ जाए। तो इस उम्मीद से काम कर पाऊंगा, एक भी बच्चे की लाइफ में चेंज आएगा। अच्छा बताओ मेरा बच्चा कौन हो गया, 1, 2, 3 उसको स्मार्ट है, अभी अपने बारे में स्मार्टनेस दिया ही अभी नहीं, डाउट क्यों आ रहा है, मान लीजिए आज आपका क्लास टेस्ट है बायो का, ले लो आप अपना अपनी कॉपी में देखना, जो कि आपका कोई भी सब्जेक्ट लेना, उसी उसका क्लास टेस्ट है 20 का और मेरे नंबर आ गए 18, तो मेरे कदम सही पड़ रहे गलत बताइए, गलत सही काम है। आप जब आपके कदम अभी गलत पड़ रहे तो आप कैसे करोगे मैं यहाँ सही करूंगा कि वहां कदम सही पड़ेंगे, जब आपके यहाँ डेली कदम सही पड़ने लग जाए तब आपका उम्मीद बनेगी कि वहां कदम मेरे
ही बोलेंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, बॉलिंग करना, बैटिंग आप कर दो, नहीं मैंने करना है, तो अगर आपके सही हर बार जो है आप बढ़िया रन बना रहे हो तो उम्मीद करते हो कि जिस हमारा फाइनल मैच होगा दूसरे स्कूल के साथ उस दिन मैं कुछ कामयाब हो पाऊंगा। यहाँ तो आप एक भी नहीं बना रहे हो और वो सोचो मैं वहाँ तो सेंचुरी ठोक जाऊंगा, ये बात सही है या दूसरी बात सही है? पहली बात सही है ना कि यहाँ मैं सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा हूँ लगातार, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे वहाँ पर सेंचुरी लगा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ तो परिस्थितियां भी अलग आएंगी, बॉलर भी दूसरा होगा, ये रोज क्रिकेट वाले मेरे पास आ रहे हैं जिनको मैं रोज ही पीट रहा हूँ, देखो ना माहौल अलग है, बोर्ड का एग्जाम अलग है, इसे तैयारी भी कैसे होनी चाहिए तभी तो बेनी कर चटनी करोगे अपने आप को, तो मार्कशीट फिर हिलने लगी। सही बोला गलत बोला? सही बेटा, समझा पा रहा हूँ मैं कि नहीं समझा पा रहा हूँ? इतना मुस्तैद हो जाना है, इसके अंदर सूत्र नंबर जो 17 है उसमें 6-5 स्टोरी दी है मैंने, उन 5 स्टोरीज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर हम ये कहें ना आएगा 100% आएगा, लेकिन क्या है जरूरी, जरूरी क्या है भाई, करना पड़ेगा ना भाई, नानी के पास जाना पड़ा, थोड़ा मस्का लगाना पड़ा, पापा के पास तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटे, आप तो पहले जा रहे थे वहां, लेकिन हो जाएगा, और हमेशा किया है आपने, अचीव किया आपने, क्यों कि आपने मस्के जबरदस्त लगा दिए उन दिनों, ठीक है पक्का, तो इसलिए 100% आपको मिलेगा। और अपनी मार्कशीट पे देख, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी हर कॉपी में आप जल्दी से लिखो, ये किसी की कॉपी इंग्लिश की है लिखो, यहाँ पे बड़ा बड़ा कितना नाम है आपके लिखो, आपकी जो सब्जेक्ट की कॉपी इस गत्ते पे लिखो, जल्दी बड़ा बड़ा लिखो, कितना आप 97 ये रोड ऐसे लिखना, और कलर से लिखना ज़्यादा अच्छा है, 97 ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा लिखो, एक दो कॉपियाँ दिखाओ, सर दिखाओ, सर को दिखाओ, बड़ा बड़ा सर को दिखाओ, कितना लिखा बेटा, जिस सब्जेक्ट की जो है उसमें लिखना, ऐसे हर सब्जेक्ट की कॉपी के ऊपर बड़ा बड़ा लिखना, क्या फायदा इसका लिखने से, क्यों लिखाया ये है आप बता दो, ठीक है सर, बस लास्ट जी सर, फिर मैं बदल स्टॉप, ठीक है, तो कोई ना कोई कॉपी तो आपके आस पास जब भी आप क्लास में होते हैं कोई ना कॉपी आपके पास होती है खुली हुई या रखी हुई, और अभी पीरियड जो है मान लो ब्लैंक जा रहा है आपका, आज सर नहीं आए, अरेंजमेंट होने में थोड़ा टाइम लगा होगा या कुछ भी बात है, या वो कहा बेटा आज आप अपनी पढ़ाई कर दो या कुछ है, तो आपके मन में कुछ आया कि यार चल थोड़ा सा मैं जरा मस्ती से कर लेता हूँ, और उस कॉपी को बंद करने लगे या रखने लगे, बाई चांस वो पन्ना क्या हो जाता है खुल जाता है, तो जैसे दिखता है 99 मेरा माइंड क्या हो जाता है, जो मेरा माइंड मस्ती नहीं जा रहा था कुछ और भी रखा था, माइंड क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, क्यों वो 99 देख के यार मैं आज मेरे गया तो उससे बात कर लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, और डाइवर्ट हो जाता है, जो इंटेंशनली भी अगर जो आपने वाकई सीरियसली आपने 99 बोला है तो अदरवाइज किसी और को दिखाने के लिए बोला है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो गया, लेकिन अगर आपने वाकई अपनी लाइफ में ये चीज अचीव करने के लिए जो आपने लिखा है कि आपने लिखा है आपने बोला है तो आपको तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, गाइड करता है ये जो टारगेट है ना ये आपको गाइड करता है, हर समय गाइड करता है। कलाम साहब क्या कहते थे, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सोने का मतलब नींद में तो नहीं है, ये भी सोना ही नहीं हुआ, ये क्या ये सो रहा था यानी डाइवर्ट हो रहा था अपनी जगह से, उसने पढ़ क्या होगा 99 क्या कर कहाँ जा रहे हो वहाँ टाइम खराब क्यों कर रहा है, ये कर दो किसी से पूछ ले बात कर ले, टाइम कर दिया डाइवर्ट कर दिया, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप क्या करें, इस मार्कशीट को फ्रेम करके आप हल्का सा एक कागज पे लिखे जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हो उसके सामने भी लगा सकते हो, ताकि आपको हर बार आते जाते क्या होगा दिखाई देगा, 24 घंटे घूमेगा दिमाग में एक सूत्र है, एक सूत्र दिया आपने कि जब हम अपने उसको टारगेट को जो है ना सुबह शाम यानी रात को सोने के बाद
पहले बात जल्दी बोलो, बोलने के बाद और सुबह उठने से पहले देखो। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था ये तो हुआ नहीं है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप तो ऐसे बोल रहे। मैंने कहा बेटा क्या करते थे ईमानदार से बता। कहता मैं सोने के बाद और सुबह उठने से पहले करूँ। बेटा बिल्कुल तो सोने से पहले उस कार्यक्रम को चार पाँच दिन के बाद तो आपको इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, सोने से पहले आपको दिखाई देने लगेगी। और कई कई बार ऐसा भी होगा आपकी जिंदगी में कि आपके सवाल कोई दिए होंगे सामने और आपने आधे छोड़े होंगे अभी, और जैसे सोने लगोगे नींद आ रही थी सोने लगे और देखा हो रही 95 माने तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। आप कॉपी निकाल के जाओ मम्मी पापा जाओ सो जाओ क्या कर नहीं मेरे को सवाल लगे। तो जिस दिन से आपके साथ ऐसा होने लग जाए समझ लो आप जो है अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या ये आपको जानने के वो है स्टेप्स हैं। जब ऐसा होने लग रहा है आपके साथ तो समझ लो आप अपने टारगेट की तरफ क्या है बहुत तेजी से भाग रहे हो। कभी कभी हुआ होगा ना जैसे एग्जाम दे रहे होंगे आपको कॉपी दिखाई देने लगती है लिखते समय तो अगला पढ़ना पढ़ा दिखाई देने लगता है तो समझ जाओ आपकी इतनी कंसंट्रेशन बनी होती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। हर दफा नहीं होता कभी कभी होता है लेकिन जब इसमें आप इतना भूल जाओगे इतना जो है जुनून पैदा कर दोगे तो ये हमेशा होगा आपके साथ। ठीक है याद रखेंगे अपने आप याद होंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली गाइड करेंगे आपको। तो थैंक यू वेरी मच और अच्छी तरह से मेहनत करिए, कुछ भी असंभव नहीं है, जो भी आप कहोगे वो हमेशा होगा 100% होगा।